लेबनान की सीमा की ओर बढ़े इजरायली टैंक हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए दागे थे रॉकेट। इजरायल डिफेंस फोर्स और घुसपैठ करने वाले हमास आतंकियों के बीच मैगन में भीषण मुठभेड़। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बड़ी परेशानी, एयर इंडिया की इजरायल की उड़ान 14 अक्टूबर तक चली। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, मरने वालों की संख्या बढ़कर 2000 के पार। तालिबान ने मांगी मदद। वायुसेना दिवस पर आसमान में वायु वीरों का शौर्य, एयर चीफ मार्शल ने किया नए ध्वज का अनावरण। मुखर्जी नगर में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, 16 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को किया सील। आगजनी की गई घटनाओं को देखते हुए लिया फैसला। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। मौसम विभाग ने जताया बारिश का पूर्वानुमान। SRA की एक इमारत में रहने वाले प्रत्येक परिवारों को मिलेगा 50,000 रुपये का आर्थिक मदद। सुंदे सरकार ने गोरेगांव में भीषण अग्निकांड के बाद किया बड़ा ऐलान। कुख्यात बदमाश जटहा सिंह की पटना में गोली मारकर हत्या, कई थानों में दर्ज थे आपराधिक मामले। सपा नेता अबू आजमी के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के बाद 50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क।